हाय गाइस, वेलकम टू क्रिएटिंग वेल्थ। तो देख लेते हैं कि अपोलो पाइप्स के कैसे रिजल्ट जो है आते हुए दिख रहे हैं। तो इसके रिजल्ट को देख के कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा लगाया जा पाएगा कि कहाँ आने वाले टाइम में जो प्लास्टिक सेक्टर से रिलेटेड जो कंपनी है, जैसे फिनोलेक्स की अगर बात करें, एस्ट्रल की अगर बात करें, प्रिंस पाइप की अगर बात करें, उनके रिजल्ट बेसिकली कैसे आते हुए दिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर इनकम की अगर बात करेंगे तो इनकम होती हुई दिख रही है 248 करोड़ की। प्रीवियस क्वार्टर में 192 करोड़ थी, तो वहाँ से इनकम के अंदर जंप है। प्रीवियस ईयर में इस क्वार्टर के अंदर जो इनकम थी वो थी 176 करोड़ की, तो वहाँ से भी देखेंगे तो एक अच्छा खासा जो है जंप देखने को मिल रहा है। और इनकम के अंदर अब प्रॉफिट की अगर बात करें तो प्रॉफिट आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है 15 करोड़ के आसपास का, जबकि प्रीवियस क्वार्टर के अंदर जो प्रॉफिट था वो था करीब 11 करोड़ के आसपास का। प्रीवियस ईयर में इस क्वार्टर के अंदर जो प्रॉफिट था वो था करीब 16 करोड़ के आसपास का। तो वहाँ से देखेंगे तो एक हल्का पुल्का प्रॉफिट के अंदर डिक्लाइन है, लेकिन उसके आसपास का जो है कंपनी कहीं ना कहीं प्रॉफिट लेके आती हुई दिख रही है देखा जाए तो। यहाँ पे अगर बात करें कि FY21 to FY22 कैसी पोजीशन है, तो आप देखेंगे इनकम में ग्रोथ है, 526 करोड़ की इनकम जो है होती हुई दिख रही है 787 करोड़ की। और अगर प्रॉफिट की अगर बात करें तो प्रॉफिट में भी जो है एक जो है अपसाइड देखने को मिल रही है, हालांकि एक हल्की पुल की अपसाइड है, ज़्यादा अपसाइड की बात नहीं करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तो मैं आपके सामने जो रखता हूँ तो 44 करोड़ के प्रॉफिट के सामने प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है 50 करोड़ के आसपास का, मतलब 44.5 करोड़ प्रॉफिट था FY21 के अंदर जो अब होता हुआ दिख रहा है 50 करोड़ का। तो अगर एक मोटा मोटी अगर देखा जाए तो यहाँ से जो है इनका प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिख रहा है केवल 10-15% के आसपास का। तो प्रॉफिट में इतनी ग्रोथ नहीं है जितनी ग्रोथ जो है बेसिकली होनी चाहिए थी। तो उसका सबसे बड़ा मेन रीज़न जो बन रहा है, एक तो कुछ अदर एक्सपेंसेस जो हुए हैं वो तो है ही है, रॉ मटेरियल के जो प्राइस में जो इन्फ्लेशन हुआ है उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो है ये प्रॉब्लम और ज़्यादा क्रिएट होती हुई दिखी है। तो लेकिन आने वाले टाइम में पॉसिबिलिटी है कि ये जितना भी रॉ मटेरियल के जो प्राइस जो इन्फ्लेशन जो आ रही है वो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में जो है सरपास होता हुआ दिखेगा वो कस्टमर को। तो पॉसिबिलिटी आने वाले टाइम में जो और बेहतर रिजल्ट और बेहतर प्रॉफिट जो है ये कंपनी करती हुई दिखेगी। तो इसीलिए देखेंगे आज इसके अंदर जो है एक आपको हल्का पुल्का जो है डिक्लाइन देखने को मिला है, लेकिन तब भी देखेंगे तो सदे हुए रिजल्ट हैं। जिस तरीके की जो इन्फ्लेशन जो है ये कंपनियां जो झेल रही हैं उन सब चीज़ों को देखा जाए तो इनकम के हिसाब से देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया जो है रिजल्ट है कंपनी का। और प्रॉफिट भी आने वाले टाइम में जो है पॉसिबिलिटी है कि ये जो है ग्रो करती हुई दिखेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक बार देख लेते हैं कि इनका जो है एक कैसा जो है चार्ट पैटर्न है, बेसिकली चार्ट पैटर्न भी बेसिकली एक बार देख लेते हैं। तो चार्ट पैटर्न देखेंगे तो करीब 550 रुपये के आसपास जो स्टॉक इस समय पर ट्रेड कर रहा है। एक साल का रिटर्न देखेंगे तो पॉजिटिव ही है 57% के आसपास का। फाइव ईयर का रिटर्न देखेंगे तो बहुत ही सॉलिड रिटर्न है। अब यहाँ पे अगर नीचे अगर सपोर्ट की अगर बात करें तो स्टॉक का सपोर्ट जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है करीब 520 रुपये, मतलब 500 से 520 रुपये के आसपास का जो है सपोर्ट लेवल है। वो जब तक ब्रेक नहीं होता जब तक कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अभी उससे 50 रुपये ऊपर जो स्टॉक अभी इस समय पर खड़ा हुआ है, पॉसिबिलिटी है कि आने वाले टाइम में जो है ये और बेहतर परफॉर्म करती हुई दिखेगी। FY23 FY24 के अंदर बिल्कुल होल्ड करना चाहिए, डिक्लाइन मिले तो बिल्कुल जो है ये बाय किया जाना चाहिए। बढ़िया स्टॉक है, अच्छा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, आगे भी मूव करता हुआ दिखेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।